सिंध के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एनए 205 गोट की जिमनी इंतखाबात की पोलिंग 25 जुलाई को कराने की दरख्वास्त दी गई है। खत में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी से मुतालिक हतमी फैसले में ताखीर हुई है। ताखीर होने के सबब इलेक्शन की तारीख तब्दील करने की दरख्वास्त की गई। कागजात नामजदगी से मुतालिक अदालती फैसला 16 जुलाई को सुनाया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दो रोज में बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग और तरसील मुमकिन नहीं। पोलिंग की तारीख में तब्दीली का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करेगा, जिसका जल्द ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में ताखीर की दरख्वास्त पर तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल पीपी उम्मीदवार के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर चुका है। मकामी इंतजामिया और अक्सर सियासतदान उम्मीदवार पर दबाव डाल रहे हैं। गोडकी के दो मुख्तियारों को जबरी तौर पर लापता किया गया। FIR दर्ज करवाई गयी ताकि पीपी उम्मीदवार के खिलाफ जाली दस्तावेजात तैयार करवाई जा सके। खत के मतन में मजीद कहा गया की पीपी उम्मीदवार के खिलाफ दरख्वास्त की 3 बार समाअत में तफसीली दलाइल पेश किए गए। समाअत के बावजूद फैसला सुनाने के बजाय ऐसे दिन के लिए महफूज कर लिया गया कि जब फौरी बाद इंतखाबात हैं। महफूज फैसला इंतखाबात से बिल्कुल कबल सुनाने के बायस उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने का वक्त नहीं होगा। अदालती फैसले को बुनियाद बनाकर इंतखाबात को मौखर भी किया जा सकता है, जिसके हम खहा नहीं। लोकल इंतजामिया और अक्सर सियासतदानों का दबाव नहीं, बल्कि दीगर इदारे भी दबाव डाल रहे हैं।